गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा टास्क दो और डे टू में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा टास्क का सेकेंड डे में फिर से हिंदी इंग्लिश, लेकिन इस बार मैथ्स नहीं, इस बार है दर्शन। दर्शन का मैंने कल आपको नोट्स प्रोवाइड किया है पीडीएफ फॉर्म में, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ टॉपिक्स है जो आपको रिविज़न पढ़ना है। तो हिंदी के लिए वही विलोम शब्द होगा, आपने कल चार पेज पढ़ा था। आई होप कि आपने कल का टास्क कंप्लीट किया हो, आज आपको उसको कंटिन्यू करना है। चार पेज के बाद नेक्स्ट चार पेज जो होंगे वो उसको आपको आज पढ़ना है। तो टोटल कल के चार पेज को भी एक बार रिवाइज करना है और नए चार पेज को भी याद करना है। तो टोटल आपके आज आपको आठ पेज पढ़ना है। इसी प्रकार से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द के आपने कल दो पेज पढ़ा था, तो कल आपने समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द के दो पेज पढ़ा था तो उसको भी कंटिन्यू करते हुए आपको आज भी दो पेज और पढ़ना है। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द के दो पेज और कंटिन्यू करना है। और इसके बाद अनेक शब्द के लिए, एक शब्द के लिए जो टॉपिक था हमारा, उसमें भी आपको दो पेज और कंटिन्यू करना है। तो आपके पिछले दो पेज दोनों टॉपिक के वो तो रहेंगे ही, और नए दो पेज भी आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आज और कल में चार पेज आपके टोटल इन तीन टॉपिक से हो जाते हैं, विलोम शब्द के आठ पेज और बाकी के चार चार पेज। तो आपको आज के नए टॉपिक के दो पेज और कल के भी रिवाइज करना है, उसको याद करना है। इसके अलावा हमको इंग्लिश में आपको मैंने ग्रामर का टास्क दिया था, तो ग्रामर के टास्क के जो ग्रामर वाला पोर्शन था, कल आपने 10 रूल पढ़ लिया होगा, लोकेशन वहीं पे है, प्लेलिस्ट में जाना है इंग्लिश वाले पोर्शन में। सेकेंड नंबर का जो वीडियो होगा इंग्लिश वाला, उसमें 120 रूल्स ऑफ ग्रामर होगा, उसका 10 रूल आपने कल पढ़ा है, आज आपका उसका 10 रूल और करना है, तो टोटल आपका 20 रूल हो जाएगा। और वर्ड फॉर मेड इजी का जो रेड कलर की किताब मैंने बताया था नीचे में, और उसका वोकैबुलरी का पोर्शन करना है। कल आपने आधा घंटा पढ़ा था, आज फिर आपको उसको कंटिन्यू करके आधा घंटा और पढ़ना है, एक घंटे का वो उस वीडियो को कंप्लीट करना है। कल आपने पढ़ा है उसको भी एक बार रिवाइज़ करेंगे, आज आपका फिर आधा घंटा है उसको भी एक बार रिवाइज़ करेंगे। इस प्रकार से आपको वोकैब का वो 12 घंटे का वीडियो का एक घंटा पोर्शन आज आपने कंप्लीट कर लिया होगा अगर आपने किया तो। इसके अलावा दर्शन शास्त्र आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो दर्शन शास्त्र का जो सिलेबस का पहला लाइन है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहला लाइन में दर्शन के स्वरूप, धर्म एवं संस्कृति से उसका संबंध, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर, ये कुछ तीन टॉपिक हैं दर्शन के जो आप आज आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपके पास जो बुक होगा, मैं आपको बुक रिकमेंड करूं तो सबसे अच्छा इस दर्शन के लिए जो बुक है वो है पाणिनी पब्लिकेशन की बुक। तो आपके पास अगर पाणिनी पब्लिकेशन की बुक है तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो वो आप एक बार उसको पढ़िए अपने बुक को। उसके बाद मेरा नोट्स जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो कंसाइज फॉर्म है, उसमें इधर उधर की बातें नहीं लिखी हुई है, टू द पॉइंट लिखा हुआ है जो आपको आंसर में लिख के आना है। तो वो जो मेरा नोट्स होगा वो कंसाइज फॉर्म होगा, उसमें जितना सिलेबस में लिखा है उतने ही नोट्स में भी लिखा है, तो वो मोर देन इनफ है। लेकिन उसके पहले आपको एक बार बुक्स पढ़ लेना चाहिए, बुक्स पढ़ने के बाद आप मेरे नोट्स को पढ़िए। इस तरीके से आज आपने हिंदी इंग्लिश और दर्शन के टॉपिक कंप्लीट करना है, और कल के टॉपिक के ऊपर ही आज हमारा एक टेस्ट था, तो ग्रुप में मैंने उसका टेस्ट भी भेज दिया है, तो आपको उस टेस्ट को कंप्लीट करना है। टेस्ट पे आप लिखेंगे, इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कल आपने जो मेहनत किया था वो फ्रूटफुल हुआ कि नहीं, आपको याद हुआ कि नहीं। नहीं हुआ है तो फिर से एक बार जाइए उसको फिर से याद कीजिए, छोटे छोटे स्टेप से एक बड़ा रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। तो कुछ लोग बोल रहे थे इसमें कि इंग्लिश के कंटेंट या हिंदी के टॉपिक जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द याद नहीं होते, तो उनके लिए एक मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। मेरे को भी चीज़ें याद नहीं होती थी विलोम शब्द वगैरह, तो मैं क्या करता था, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता था। तो आपके पास हिंदी का जो भी ऑब्जेक्टिव हो, हरिराम पटेल सर का हो या फिर रविंद्र तिवारी सर का हो, तो आपके पास जो भी हिंदी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव बुक हो तो आप उसको लेके आइए और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करिए। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से माइंड थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है, हम लोग पढ़ते हैं तो उतना एक्टिव नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक्टिव हो जाता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, उसके बाद फिर आप थ्योरी पढ़ें, तो आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। ऐसा मैंने किया था तो मुझे इसका रिजल्ट मिला था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ईमानदारी से आप अपना टास्क को पूरा कीजिए, और अगर आपने कल का टास्क कंप्लीट किया होगा तो मुझे कमेंट कीजिए कि मैंने आपको अपना टास्क कंप्लीट किया है, और आपको आज का टास्क कंप्लीट करना है। और ये कल हम लोग मिलते हैं थर्ड डे में, तो आज का ये सेकेंड डे आप पूरा अच्छे से निभाइए। थैंक यू।